प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ पंकज, स्वागत है आपका लॉजिक गुरु पे। आज का जो हमारा वीडियो बड़ा ही स्पेशल है, जिसका इंतजार हम कई दिनों से कर रहे थे। पटवारी परीक्षा जिसका अनाउंसमेंट आज राजस्व विभाग और व्यापम ने कर दिया है और इससे संबंधित बहुत सारे नियम बनाए हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए हैं। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे होगी 2017 की पटवारी परीक्षा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो पटवारी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, जो कि वर्ष 2017 के अंत में होना है। सबसे पहले हम देखें तो आती है हमारी आवेदन की तिथि क्या है, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि क्या होगी। तो परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि हम देखें तो एमपी ऑनलाइन में आवेदन करने की जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो होगी हमारी 28 अक्टूबर 2017 से आपके आवेदन भरना चालू हो जाएंगे। उसके बाद हम अगला देखें तो वो आता है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या होगी, तो ये होगी आपकी 11 नवंबर तक। मतलब 28 तारीख से लेकर 11 नवंबर तक आप आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पटवारी के लिए। आगे बढ़े हुए देखें वो है हमारा आवेदन पत्र में अगर कोई आप त्रुटि कर देते हो तो उसमें संशोधन कब से प्रारंभ होगा, तो वो होगा आपका, वो भी आपका 28 अक्टूबर से ही। मतलब जिस दिन से आपने फॉर्म भरना चालू होंगे उसी दिन से संशोधन भी चालू हो जाएगा। संशोधन की अंतिम तिथि क्या होगी, तो संशोधन की अंतिम तिथि दी गई है वो दी गई है आपकी 16 नवंबर को। तो ये है आपकी आवेदन की तिथि जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की तिथि आपकी जो है वो 28 अक्टूबर की है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम जो तिथि जो है वो है 11 नवंबर। मतलब तकरीबन 28 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक का आपको समय दिया गया है। संशोधन की तिथि भी 28 अक्टूबर से चालू होती है लेकिन अंतिम जो संशोधन की तिथि है वो आपकी 16 नवंबर को है। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन से रिलेटेड। आगे हम बड़े और देखें हम अगला तो वो आती है आपकी परीक्षा की तिथि और समय सारणी क्या होगी। परीक्षा की तिथि में सबसे पहले हम देखें तो आपकी परीक्षा जो है वो 9 दिसंबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक, मतलब मंथ के एंड में ये एग्जाम होना है। क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट है एग्जाम करने के लिए तो एक या दो दिन में होना संभव नहीं है, इसलिए इतना लंबा शेड्यूल रखा गया है। तकरीबन 20 दिन का शेड्यूल रखा है 9 दिसंबर से लेकर आपका 31 दिसंबर तक। आगे हम बढ़े और देखें तो परीक्षा की पाली मतलब कितने शिफ्ट में होगी एग्जाम, तो ये आपकी 2 शिफ्ट में एग्जाम होना है, प्रथम और द्वितीय। अब आगे हम देखें परीक्षा का समय क्या होगा, तो परीक्षा का समय अलग अलग पाली मतलब अलग अलग शिफ्ट के अनुसार है। पहली पाली में जो समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का है और द्वितीय पाली का जो समय है वो 2 से 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का है। तकरीबन 2 घंटे का समय रहेगा आपकी एग्जाम में और एक ही पेपर होना है। इसके बाद हम आगे बढ़े और अगला देखें वो है आपका योग्यता और अयोग्यता है। तो योग्यता अयोग्यता को लेकर हम काफी दिनों से वेट कर रहे थे, कहीं सारी वीडियोस में हमने देखा ये आ रहा है वो आ रहा है, अलग अलग नोटिफिकेशन कहीं से सुनने में आ रहे थे। तो आज सब क्लियर हो जाएगा क्या योग्यता है पटवारी परीक्षा के लिए। तो हम देखें सबसे पहली योग्यता है कि जो अभ्यर्थी जो फॉर्म भरेगा उसको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। मतलब प्रदेश के बाहर वाले तो फॉर्म भर ही नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे नहीं, मेरा जवाब रहेगा कि आप नहीं भर सकते अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हैं। आगे हम बढ़े तो देखें तो अगला जो हमारा योग्यता या अर्हता है वो आती है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन भी अनिवार्य होना है। तो आप सब जानते हैं आजकल आपको अपना आधार रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, केवाईसी फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन। अगर आप नहीं जानते तो किसी भी कियोस्क सेंटर में जाकर अपने आधार को पंजीयन करवा सकते हैं। उसके बाद हम जाए अगला देखें तो अगला जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यूजी होना चाहिए। यही सबसे बड़ी हमारा जो परिवर्तन हुआ है इस साल वो यही हुआ है। पिछली बार जो पटवारी एग्जाम हुई थी उसमें 12वीं क्लास के आधार पर एग्जाम हुई थी, इस बार जो आपकी एग्जाम होना है वो आपके स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन के आधार पर होना है। तो विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है और ग्रेजुएशन आपका एग्जाम तिथि के पहले कंप्लीट होना चाहिए, बाद वाला ग्रेजुएशन नहीं चलेगा। मतलब रनिंग कैंडिडेट इसको फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो वो है हमारी योग्यता, वो आती है सीपीसीटी। उसको भी लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, वैसे तो हमने उसे बता दिया था कि सीपीसीटी जरूरी नहीं है। तकरीबन 1 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो हमारी आप चैनल पे जाके देखेंगे,
हमने आपको एक साल पहले ही बता दिया था कि पटवारी परीक्षा में सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है, और अगर अनिवार्य होगा भी तो आपको एग्जाम के आपके पटवारी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको आपकी नियुक्ति के बाद एक साल का समय वहां पर दिया जाएगा, लेकिन इस बार 2 साल का समय दिया है। ये एक छोटा सा चेंज है। तो सीपीसीटी आपका स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण करना आपका अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि यदि आपके पास सीपीसीटी ना हो तो जैसा मैंने आपको बताया चयन के पश्चात आपको 2 वर्ष का समय दिया जाएगा सीपीसीटी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी पटवारी परीक्षा 2017 से संबंधित महत्वपूर्ण योग्यताएं जो कि आपकी पटवारी परीक्षा में आपके लिए होना आवश्यक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है, आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, आपने यूजी कंप्लीट करा हो अर्थात स्नातक किया हो, आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड हो जिसमें आपने हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता क्लियर करी हो, और अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन चयन के पश्चात आपको 2 वर्ष के अंदर सीपीसीटी क्लियर करना होगी। नेक्स्ट हम देखें आगे बढ़े तो आती है हमारी आयु सीमा। आयु सीमा क्या होगी? तो आयु सीमा हमारी दिया गया है आपके नोटिफिकेशन में अभ्यर्थी की आयु सीमा 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी एक पूरी टेबल हमने बनाई है किस किस व्यक्ति की क्या क्या एज होना चाहिए जो योग्य होगा एग्जाम के लिए, वो टेबल हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहला वो है पुरुष आवेदक, यदि वह अनारक्षित वर्ग से आता है जनरल कैटेगरी से आता है तो उसकी अधिकतम आयु सीमा है 40 वर्ष की है। इसके बाद है महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग से आता है तो महिला को जो है 5 वर्ष का एक्सटेंशन मिलता है, तो 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा होती है। और इसके बाद आता है पुरुष महिला आवेदक, तो शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हो या सैनिक हो तो उनको भी 45 वर्ष का समय दिया जाएगा। इसके बाद अगर आता है हमारा पुरुष और महिला आवेदक जो आरक्षित वर्ग से आते हैं जैसे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, तो उनको भी 45 वर्ष की आयु सीमा अधिकतम। और लास्ट जो है पुरुष और महिला आवेदक आरक्षित वर्ग लेकिन शासकीय निगम वगैरह वगैरह के लिए संस्था में काम कर रहे हैं सैनिक है या फिर निःशक्त जन आवेदक है तो उनको भी 45 वर्ष के आयु सीमा अधिकतम दी गई है। तो ये पूरी सारणी से आप देखकर समझ सकते हैं आयु सीमा के बारे में। आगे बढ़े और अगला हम देखें क्वेश्चन, तो वो हमसे पूछा गया कि आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। आवेदन हेतु क्या क्या दस्तावेज लगेंगे अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे, कियोस्क की तरह आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं अगर वहां जाते हैं, तो क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? तो सबसे पहले आपको कलर फोटो लगेगा, हस्ताक्षर किया हुआ, उसकी एक स्कैन कॉपी लगेगी, सभी एग्जाम में लगता है तो ये तो आपके पास होगा ही सही, ठीक है। इसके बाद हम जाए तो हस्तलिखित प्रपत्र लगेगा, स्कैन कॉपी लगेगी, उसकी भी 2 लाइन आपको लिखना पड़ती है इसके प्रारूप 3 के अनुसार, प्रमुख 3 के अनुसार आजकल सभी एग्जाम में 2 लाइनें राइटिंग वेरिफिकेशन के लिए लिखवाते हैं। इसके बाद हम आगे जाए तो अगला लगेगा आपका जन्म तिथि हेतु प्रमाण पत्र, अगर 8वीं की 10वीं की या 12वीं की आपकी अंक सूची हो तो उसकी स्कैन कॉपी आपको लगेगी, आपकी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र का काम करेगी। इसके बाद हम अगला तथ्य देखे अगला देखे तो वो क्वेश्चन हमारा जाति प्रमाण पत्र, यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उसकी भी स्कैन कॉपी आपको लगेगी। इसके बाद एक लास्ट है अंक सूची स्नातक की, मतलब यूजी जो आपने ग्रेजुएशन करा है उसकी भी स्कैन कॉपी लगेगी। वैसे तो स्नातक की जो अंक सूची है उसकी डिटेल तो दी नहीं गई है प्यापन की वेबसाइट पर शायद लग सकती है, इसलिए हमने इसको ऐड करा है ताकि आप फॉर्म भरने जाए तो साथ में उसको लेकर जाए। तो ये आप 5 चीजों का ध्यान रखें, फॉर्म को भरते समय आवश्यक दस्तावेज आपके लगेंगे, कलर फोटो लगेगा हस्ताक्षर के साथ आपकी साइन के साथ, ऊपर फोटो नीचे हस्ताक्षर होते हैं उस टाइप का एक ही फोटो, अलग अलग नहीं लगेंगे। इसके बाद आपका हस्तलिखित प्रपत्र लगेगा, जन्मतिथि हेतु प्रमाण पत्र लगेगा, आपकी 10वीं की 12वीं की मार्कशीट जो भी है आपके पास में, जाति प्रमाण पत्र लगेगा अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और अनुसूचित अंक सूची लगेगी आपकी स्नातक की ग्रेजुएशन की, ये लग सकती है शायद। तो ये आपको सभी स्कैन कॉपी लगेगी, इन सबको लेकर जाना होगा फॉर्म फिल करने के लिए। नेक्स्ट देखे तो वो आता है हमारा परीक्षा शुल्क, मतलब एग्जाम की फीस क्या होगी। तो एग्जाम की फीस हम देखें तो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए फीस होगी, अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको 500 रुपए फीस लगेगी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं या निःशक्त जन है तो उनको 250 रुपए फीस लगेगी।
इसके बाद हम देखें अगला पोर्टल शुल्क कितना लगेगा। तो कियोस्क के माध्यम से अगर आप मार्केट में जाके आप अपना फॉर्म फिल कराते हैं तो 70 रुपए आपको कियोस्क शुल्क लगेगा, और अगर आप खुद सिटीजन यूजर है, खुद से लॉगिन करके अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 40 रुपए पोर्टल शुल्क लगेगा। इसके बाद संशोधन, अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की आपने गलती कर दी है और आप उसमें किसी प्रकार का करेक्शन कराना चाहते हैं जिसको संशोधन कहा जाता है, तो संशोधन आप करते हैं तो 20 रुपए संशोधन के लगेंगे और पोर्टल शुल्क लगेगा आपका 50 रुपए। टोटल आपके 70 रुपए लगेंगे एक संशोधन के। जितनी भी बार आप संशोधन कराएंगे यही चार्ज आपसे लिया जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़े तो आपसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा गया कि परीक्षा केंद्र क्या क्या होंगे। तो ये तो नॉर्मल सा टॉपिक है, हमने हमारे वीडियो में एड कर लिया इसको, आपको जानकारी है। इसलिए परीक्षा केंद्र 15 ऐसी सिटी है जहां पे परीक्षा केंद्र रखे गए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है तो कंप्यूटर सेंटर सभी जगह नहीं मिलते हैं, तो जो बड़ी बड़ी सिटी है वहां पर ही रखा गया परीक्षा केंद्र। भोपाल, इंदौर, जबलपुर है, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, कटनी और सीधी, ये 15 परीक्षा केंद्र है जहां पर आप अपने एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म फिल करते समय। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो अगला हमसे पूछा गया कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो परीक्षा का पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इस पर तो हमें अलग से पूरा वीडियो बनाया भी हमने पहले, पर उसमें इंग्लिश को भी शामिल किया गया था। इस बार इंग्लिश नहीं है, ये आपके लिए खुशखबरी वाली बात है, वहां पे इंग्लिश हमने शामिल किया था। वहां पे आप डिटेल में पाठ्यक्रम को देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो हमारे वीडियो पर जाकर इंग्लिश को छोड़ दीजिएगा आप। आज अब जो पाठ्यक्रम शामिल करा गया है उसमें है सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दूसरा आपसे पूछा जाएगा सामान्य गणित एवं सामान्य अभिरुचि सरुचि के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीसरा आपसे पूछा जाएगा सामान्य हिंदी, उसके बाद आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज्य, तो लास्ट आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर ज्ञान। तो ये 5 सब्जेक्ट 5 ऐसे कैटेगरी है जहां से आपसे पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा टफ लेवल की नहीं होती है पटवारी एग्जाम। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य स्वरुचि, सामान्य हिंदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, कंप्यूटर विज्ञान, इन सभी विषयों पर हमने आपको कई सारे वीडियो उपलब्ध करवाए हैं। इन पटवारी एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने कई सारे IMP आपको निकाल कर जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं हमने अवेलेबल कराए हैं वीडियो के माध्यम से, कई सारे लेक्चर उपलब्ध कराए हैं। तो आप वहां पर जाएं और उन्हें देखें, पटवारी परीक्षा की तैयारी करें। अब हम आगे बढ़े तो देखें कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा पटवारी एग्जाम। तो मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर आएगा, एक व्यक्ति का एक ही पेपर देना है, एक ही पेपर होगा और वो आपका रहेगा 100 नंबर का। तो 5 सब्जेक्ट है, इन्हीं में डिवाइड रहेंगे आपके पूरे 100 नंबर। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, पटवारी परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना जो कि हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, जो कि 2017 के एंड में होना है, दिसंबर माह में, 9 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इस एग्जाम को होना है। तो इसी प्रकार की हमारी और वीडियो हम आने वाली है, पटवारी का डिटेल सिलेबस हम देने वाले हैं वगैरह वगैरह, पटवारी से हम इसका अभी एनालिसिस कर रहे हैं पूरा, आपके नोटिफिकेशन जो आया है उसका बहुत बड़ी लिस्ट आई है तो उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। उस पर अलग अलग वीडियो हम आपको बना के देंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम में और क्या क्या नए रूल्स वो ऐड करे गए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।